नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ एक के बाद एक एक्शन से अपराधियों में खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो विकास के लिए अपने खर्चों में कटौती को लेकर सुर्खियां बने हुए हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस की सतर्कता से एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो काफी वक्त से लोगों की नींद उड़ा रही थी। लेकिन इस सब के बीच में एक नेता की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे खास शो में बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं एमपी सीएम मोहन यादव के एक्शन की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस हादसे मामले में सख्त एक्शन लिया है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त, गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ही जिले के अन्य दो बड़े अधिकारियों पर गाज गिर गई है। गुना कलेक्टर तरुण राठी का भोपाल तबादला कर दिया, एसपी विजय कुमार खत्री को भी हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल भेज दिया गया है। इसके अलावा संजय कुमार झा को परिवहन आयुक्त के पद से हटा दिया है। वहीं जिले क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ रवि बरेलिया और नगर पालिका गुना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी कि सीएमओ बीडी कतरौलिया को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मुख्य सचिव को गुना हादसे में अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग से भी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सीएम के निर्देश मिलते ही मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव गृह राजेश कुमार राजोरा को परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। अब तक इस पद पर रहे मुख्य सचिव सुखवीर सिंह को उक्त प्रभार से मुक्त करने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने विशेष पुलिस महानिदेशक और परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को पद से मुक्त करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं गुना जिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ रवि बरेलिया को सस्पेंड कर दिया। सरकार की तरफ से जारी आदेश अनुसार गुना कलेक्टर तरुण राठी की नवीन पद स्थापना अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन के पद पर की गई है। गुना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रथम कौशिक को कलेक्टर गुना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह से गुना पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री की नवीन पद स्थापना सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल में करते हुए जिले के सीनियर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गुना पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य स्तर से सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश भेजने रहे हैं कि अगर बगैर परमिट के वाहन चलते हैं तो सतर्कता बरतें और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाएं। परिवहन विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गुना हादसे से प्रभावित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। घटना से संबंध जांच समिति की गठन की गई है। सीएम यादव ने कहा कि परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये भी ध्यान रखा जाए। ये संवेदनशील विषय है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सजगता से ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए भी निर्देश दिए हैं। सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ राज्य सरकार आवश्यक रूप से सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आई है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल राम नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। लोग अपने अपने तरीके से राम मंदिर स्थापना को यादगार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर मुंबई की मुस्लिम युवती शबनम शेख की आजकल पूरे देश में चर्चा है। शबनम मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ पैदल निकली है। शबनम को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है। वो भगवान राम की मूर्ति स्थापना में शामिल होने के लिए निकली है। शबनम ने बताया कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है, लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती है, ये दिखाने के लिए वो यात्रा पर निकली है। उन्होंने कहा कि लोगों के इसी भ्रम को तोड़ना है कि सिर्फ लड़के ही
पैदल यात्रा कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। साथ ही शबनम ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, राम जी के दर्शन करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, उनका दिल साफ होना चाहिए। राम जी भारत समेत पूरी दुनिया के हैं। अपनी यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, रास्ते में कुछ मुस्लिम मिलते हैं, वो सलाम करते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं। इतना ही नहीं, इसी बीच में पुलिस के हाथ ऐसी गैंग चढ़ी है जिसकी तलाश काफी वक्त से चल रही थी। दरअसल पुलिस ने बाछड़ा गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनकी अभी तलाश चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सोना चांदी के साथ साथ 5,60,000 रुपए की नकदी जब्त की है। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि बिलपांग थाना क्षेत्र के ग्राम धराड़ में आरोपियों ने सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 20 लाख रुपए की ज्वेलरी और नगद राशि को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस टीम ने गांव धराड़ में अज्ञात आरोपियों की तलाश में गांव धराड़ में चौराहे, गलियों, दुकान में लगे लगभग 60 स्थानों के सीसीटीवी कैमरे को देखा। इसमें एक जगह पर आरोपी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दिए। फुटेजों को विधिवत जब्त कर पूर्व में गांव धराड़ में साल 2014-15 में चोरी की वारदातों में संलिप्त मानसा की बाछड़ा गैंग पर वारदात करने का अनुमान होने पर थाना मानसा से उक्त सीसीटीवी फुटेज की पहचान कराई गई, जिसके बाद उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर नगर निगम की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए महापौर डॉक्टर शोभा सिखरवार ने एक अनोखा फैसला लिया। उनके इस फैसले के बाद सब तरफ उनकी चर्चा हो रही है। नगर निगम ग्वालियर हमेशा से ही शहर में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला, जहां डॉक्टर शोभा, जो कि वर्तमान में महापौर के पद पर आसीन है, उन्होंने नगर निगम को उनकी ही दी हुई गाड़ी को लौटा दिया। ये गाड़ी शहर के भ्रमण और काम का जायजा लेने के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा, नगर निगम की स्थिति बेहद खराब है, इसीलिए उन्होंने अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कुछ खर्चों में कमी करने का निर्णय लिया है, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने अब नगर निगम की गाड़ी से ना चलने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति वाकई गंभीर है, क्योंकि शासन से कोई मदद नहीं मिल रही और ना ही किसी प्रकार की वित्त नगर निगम को दिया जा रहा है। यही कारण है कि नगर निगम के कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनका वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं नगर निगम की दी गई डीजल की गाड़ी से नहीं चलूंगी और सभी अधिकारियों से भी पूर्ण सहयोग की अपील करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि निगम भी ध्यान देगी फिजूल खर्ची ना हो, जिससे निगम में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके कार्य का भुगतान तो हो सके। वहीं इस दौरान नगर निगम कमिश्नर से भी इस विषय में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को झटका भी लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश की भिंड सीट से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ ग्वालियर में MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत में गैर मौजूदगी के चलते ये वारंट जारी किया गया है। सरकार के एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि साल 2015 में जिला पंचायत चुनाव के समय वार्ड नंबर 6 जवासा से नरेंद्र सिंह कुशवाहा की पत्नी मिथिलेश कुशवाहा नामांकन दाखिल कर रही थी। इसी वार्ड से बाबूराम जामोर भी नामांकन दाखिल कर रहे थे। बाबूराम जामोर को नामांकन दाखिल करने से रोकने के लिए नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया और मारपीट की, साथ ही जामोर को जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में देहात थाने में नरेंद्र सिंह कुशवाहा और केशव देसाई के साथ ही 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। ये मामला ग्वालियर में जिला एवं सत्र न्यायालय में MP MLA कोर्ट में चल रहा है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो मौजूद नहीं रहे, जबकि केशव देसाई कोर्ट में पेश हुए थे। इसी मामले में कोर्ट ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। अदालत ने ग्वालियर और भिंड के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि आरोपी नरेंद्र सिंह कुशवाहा को कोर्ट में पेश करें। बता दें कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा 3 बार के विधायक हैं। पहली बार साल 2003 में हुए भिंड विधानसभा से विधायक चुनकर आए थे। इसके बाद साल 2008 में बीजेपी ने
उनका टिकट काट दिया। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन वो जीत नहीं सके। साल 2013 के चुनाव में नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भाजपा ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा तो वो दूसरी बार भिंड विधानसभा से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने टिकट काट दिया लेकिन वो पार्टी से बगावत करके एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके। साल 2023 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और इस बार वो तीसरी बार विधायक चुने गए हैं लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।